नमस्कार, लगातार लाइव में स्वागत है आपका। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे है अमलागिरी गांव। आदिम जनजाति पहाड़िया का यह गांव है। जाने का जो रास्ता है अति दुर्गम है। ग्रामीणों से का लगातार जो है संपर्क कर रहे थे कि हम लोगों को गांव की समस्या को दिखाइए, हम लोगों गांव का जाने का रास्ता नहीं है, हम लोगों को उपराजधानी पहुंचने में जो 15-20 किलोमीटर की दूरी है उसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। हम आपको भी दिखाएंगे कि अमलागिरी गांव जाने का जो रास्ता है वो कैसा रास्ता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं और हम गांव चलेंगे। यहाँ तो अभी बगल में पहुँच गए हैं, अमलागिरी चढ़ गए हैं। चढ़ गए हैं, कितना दिक्कत होता है गाँव आने में? यहाँ तो बहुत दिक्कत है। रास्ता यही है? रास्ता यही है जो कि ऊपर मोड़ अमलागिरी जाने वाला रास्ता, ये असल बने अमलागिरी होते हुए जा रहा है, ये जो खराब रास्ता है। अमलागिरी जाने का रास्ता बहुत ही खराब है। तो दूसरा रास्ता नहीं है? अमलागिरी रास्ता है ही नहीं, यही रास्ता है। यही रास्ता है और बर्तली तरफ से भी रास्ता है तो वो भी इसी तरह से, इससे भी अधिक खराब है। ये जो गांव है यह अमलागिरिया गांव है, आदिम जनजाति पहाड़ियों का गांव है। उपराजधानी जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूरी के स्थित ये गांव है। गांव में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपका सामने जो रास्ता दिख रहा है ये गांव आने जाने का रास्ता है। यहां से 2 किलोमीटर ग्रामीणों को इसी रास्ते से होकर नीचे मुर्गा थली गाँव जाना पड़ता है, जहाँ से इनको सड़क मिलती है और ये दुमका उस सड़क से होकर फिर दुमका जाते हैं। जो ये जो गांव बनाने का जो मांग है ये लोग लगातार करते आए हैं। इसके लिए इन्होंने सरकार और जिला प्रशासन को लिख करके भी दिया है। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं जो गांव के हैं। इस सड़क के लिए कब से संघर्ष कर रहा है आपका समाज? मोटा मोटी सर आज से 15 साल हम लोग, मैंने जितना भी नेतागण है मंत्रीगण है सबका हम लोग सूचित करते आ रहे हैं सर। मोटा मोटी प्रत्येक महीना हम लोग आवेदन देते हैं सर, मंत्री या कोई भी विधायक हो, MLA हो, MP हो, सबको हम लोग जो है लिख के देते हैं रोड के ई में सर। जो अमलागिरी आने का जो रोड है ये इस रोड की स्थिति इस तरह से है, कितना पीढ़ी आपका ये इस रोड को इस तरह से देख चुका है? वो 3 पीढ़ी हुआ सर, हम लोग अभी चौथा में ये है सर। चौथा पीढ़ी इनका है, 3 पीढ़ी इसी रास्ते से होकर दुमका जाते आते रहे हैं और ये चौथा पीढ़ी है जो इस रास्ते से होकर के ही जा रहा है। तो हमारे साथ महिला लोग भी खड़ी हैं और ये लोग भी आपको बताएंगे कि जो समस्या है गांव में सड़क का, ये कैसा समस्या है, कितना परेशानी होता है आप लोगों को? यहाँ इस गांव में बहुत परेशानी होती है। इस गांव में सड़क नहीं होने से डिलीवरी महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने में बहुत तकलीफ होती है, उसको ढोके ले जाना पड़ता है। बीमार लोगों को भी डॉक्टर नहीं आता है, इस सड़क के कारण सड़क नहीं है तो इसीलिए उसको भी ढोके ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल कैसे ले जाते हैं, कैसे ढोके ले जाते हैं उसको? खटिया में बैठा के या सुता के उसको, दो आदमी दो जन उसको उठा के ले जाते हैं। जी, बोलने में दिक्कत हो रहा है इनको। आपका क्या नाम है? जी सर, विश्वआड़ी। विश्वआड़ी सर, विश्वआड़ी। ठीक, मुंह बंद रखिए। सड़क आप लोग का जो दिक्कत क्या सर, बहुत बार आई नेता लोग ने, बहुत आई, बहुत हम नाच वाच किए हर ई, मन क्या बोलते हैं ये, नहीं मैंने क्या बोलते हैं, नाच बाज करके हेमंत सरोवर कोई अच्छा फिर आइए, लेकिन नाच बाज करके उन लोग बोले क्या, हाँ सड़क बनवा देंगे, हमको जिताएगा सड़क बनवा देंगे। लेकिन सर यहाँ पर स्कूल है, स्कूल चलते दो गो मैंने चपकल चला गया सड़क की वजह से, जानते सर, झरना का पी करके हम लोग अभी यहाँ पर जांडिस पकड़ रहा है, टाइफाइड पकड़ रहा है, क्या करें। तो ग्रामीणों का कहना है कि समस्या का जो मुख्य वजह है सड़क है, सड़क नहीं रहने के वजह से बोरिंग गाड़ी यहाँ तक नहीं आ सकती है, जिसके कारण स्कूल रहते हुए भी स्कूल में भी पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग झरना का ही पानी को पीते हैं। एक हमारे साथ एक गांव के ही पढ़े लिखे लोग हैं, ये बताएंगे ये समस्या है गाँव का, ये कितना पुराना है और
किस तरह से इसको आप लोग सरकार के पास इसको रखे हैं? ये गांव तो हम लोग का बहुत पुराना है, मैंने गेंजर सेटलमेंट से ही यहाँ पर उससे भी ज़्यादा मुहूर्त मकपर्सन जो था ना उससे उस समय से ये गांव है हम लोग का। और हम लोग का गांव जो है बहुत आदमी ने आकर के देखा है। अभी जो हमारे वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं हमारे रामेश्वर राव जी, उस टाइम में वो अनुसूचित जनजाति के आयोग थे, वो महानुभाव भी यहाँ पर आ करके हम लोगों को सहानुभूति जताए कि हाँ बना देंगे। उन लोगों ने उन्होंने कुछ प्रयास किया, शायद यहाँ के पदाधिकारियों ने कुछ उसमें ध्यान नहीं दिए होंगे, जिस वजह से मेरा रोड अभी तक नहीं बना है। दूसरा बात है कि हेमंत सोरेन भी एक बार स्कॉर्पियो लेकर के चढ़े हुए हैं यहाँ पर। तीसरा बात है कि स्टीफन मरांडी भी आए हुए थे अपने समय काल में। चौथा बात है कि यहाँ पर जो BDO साहब भी हैं वो भी आए हैं यहाँ पर देख करके गए हैं। रोड ज्यों का त्यों है और रोड के वजह से हम लोगों का काफ़ी परेशानी है। अभी जैसे मान लीजिए डकिया योजना पहाड़ी वालों को दे रहा है चावल, वो अभी तक मतलब सुचारू रूप से नहीं आ रहा है यहाँ पर। हम लोग नीचे से ही उठा करके लाते हैं चावल जहाँ पर जो मेन रोड है वहाँ से। चौथा बात है कि रोड के बिना हम लोग का चापाकल नहीं है, यहाँ पीने का पानी नहीं है। रोड के बिना हम लोग का कोई भी सामान, पानी हो या बरसात हो, हम लोग का अपना पेशेंट को हम लोग ढो करके ले जाते हैं रात बिरात में, जिस वजह से हम लोग का किसी का तो मौत भी हो जाता है। इतना परेशानी हम लोग इस पहाड़ में हम लोग झेल रहे हैं। ये अमलागढ़िया है, मेरा नाम श्यामलाल आहड़ी है, हम यहाँ का मैंने यहीं का बसिंदे हैं हम। श्यामलाल जी, जिस तरह से आप बताए कि वर्तमान वित्त मंत्री यहाँ आए थे रमेश अरोड़ा जी, उस समय भी सड़क नहीं था, कैसे आए थे ऊपर तक? हाँ, उस समय भी हम लोगों ने उनको चलिए ना सर यही पहुँच गया, चलिए ना सर यही पहुँच गया। और हम लोग उनको बोले भी कि सर अगर आप नहीं चढ़ पा रहे हैं तो हम लोग अभी खटिया ला रहे हैं, माची ला रहे हैं सर, आपको हम लोग टांग करके उठाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ साहस जताया, उसका फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो आए। हाँ, आए थे और उन्होंने कहा कि हम आप लोगों का रोड के बारे में यहाँ पर DC को DDC को लिख करके जाएंगे। और हम लोग का शायद मैंने किस्मत ही कुछ ख़राब था, उनका एक महीना के अंदर ऐसे अनुसूचित जनजाति आयोग से वो रिटायर हो गए, उसके बाद शांत हो गए, सब कुछ चला गया। हम लोग का फिर ज्यों का त्यों हम लोग जैसे पड़े हुए हैं वैसे ही अभी तक है ये हैं जी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि वर्तमान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी जब अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो एक बार इस गांव के विजिट पर आए थे, वो ऊपर नहीं चढ़ सक रहे थे, उनको इन लोगों ने ऊपर तक लाया और उन्होंने भी उन्हें आश्वासन दिया था और वो बोल के गए थे कि हम सभी वरीय पदाधिकारी को यहां बोल के जाएंगे, आप लोगों के गाँव तक सड़क जरूर आएगी। अब वो सरकार में वित्त मंत्री हैं, अगर वो चाहेंगे तो उनकी ये छोटी सी जो मांग है जो पूरी हो सकती है, महज 2 किलोमीटर का यह सड़क है, ये सड़क अगर मुर्गाथली गांव तक जोड़ दिया जाए तो इससे दुमका जाने का जो रास्ता है सरल हो जाएगा। हम आपको बता दें कि राजबांध गांव के लोग जो 20-25 किलोमीटर घूम करके जाते हैं, इस रास्ते को बन जाने के बाद उनको महज 8 से 10 किलोमीटर में दुमका पहुँच जाएंगे। जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर ही अवस्थित है यह गाँव। लगातार के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।